स्टडी हाय आइटम एंड फ्रेजेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और ये है एपिसोड नंबर 3। और आज है 10 जून 2017। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत कोट से। रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज रिलेशनशिप्स टू हैव लाइफ इन दैम। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छा विचार दिया है और आज मैं आप लोगों से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि आपका जो भी रिलेशन है किसी के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, उसमें ये ज़रूरी है कि आप लोगों का केयर होना, ठीक है। आप लोग उनसे बात कीजिए, डेली उनको टाइम ज़रूर दीजिए और जो वो कहते हैं उसके बारे में बेशक उसको फॉलो ना करिए, लेकिन उसको ज़रूर सोचिए कि क्या आपकी लाइफ में वो ज़रूरी हैं चीज़ें या नहीं। तो ज़रूर एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो पहला वर्ड है चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ व्हाइल अगो। मतलब उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बारे में वो सोचता हो, उसके बारे को लेकर वो अपसेट हो, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में, ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबैंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। मतलब वो उसके लिए एक अपसेट करने वाली बात यह है कि उसके माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया। मतलब चिप्स ऑन शोल्डर है उसके लिए। सो अगला आता है हमारे पास आइटम, वो है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन योर पाथ। मतलब जब कोई आप एक रास्ता चुनते हैं कुछ बनने के लिए, तो आपको उसके ऑब्स्टेकल के बारे में पहले से ही जानकारी होती है, ठीक है। इसको जैसे यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, आई हैव डिसाइडेड टू कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर। मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मुझे पता है कि उस रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब कम हेल और हाई वाटर के बारे में मुझे पहले से ही पता है। ओके, सो अगला आइटम आता है ड्वेल ऑन द पास्ट। ड्वेल ऑन द पास्ट का मतलब होता है व्हेन समवन थिंक्स टू मच अबाउट द पास्ट एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मतलब जब कोई अपने मतलब भूतकाल के बारे में, मतलब जो बीत चुका समय है उसके बारे में बहुत कुछ सोचता है, तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, आई विश यूड स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट शीड नेवर गोइंग टू कम बैक, यू नीड टू मूव ऑन विद योर लाइफ। मतलब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे चलते रहना चाहिए, ठीक है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अगला वर्ड आता है हमारे पास डू टाइम और सर्व टाइम। इसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब समवन सेंटेंस इन प्रिजन। मतलब किसी के बारे में बताना जो प्रिजन में रहा हो, जेल में अपना समय बिता चुका हो। ओके, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, ही इज़ डूइंग टाइम फॉर अ क्राइम ही डिड नॉट कमिट। मतलब वो जेल में है किसी गुनाह के लिए जो उसने अभी तक कमिट नहीं किया है, जो उसने किया ही नहीं है। ओके, तो अगला आइटम आता है हमारे पास टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब होता है वेरी कॉमन आइटम दैट मींस टाइम पासिस वेरी क्विकली। इसका मतलब होता है जो समय बहुत तेज़ी से व्यतीत होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जब आप दोस्तों के साथ होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया। ओके, तो इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना, आई कांट बिलीव इट ऑलमोस्ट टाइम्स टू गो होम, इट्स फनी हाउ टाइम्स फ्लाई व्हेन यू आर हैविंग फन। मतलब जब आप मस्ती में होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। सो अगला आइटम आता है हमारे पास कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब होता है व्हेन समथिंग डेवलप्स कम्प्लीटली एंड रीचेस मैच्योरिटी। मतलब कोई चीज़ पूरी तरह क्या हो, विकसित हो जाए और वो मैच्योर हो जाए, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, ही हैज़ कम ऑफ एज नाउ एंड इज़ वाइज इनफ टू टेक द थ्रोन एंड बिकम द किंग। मतलब वो अब इतना बड़ा हो चुका है और मैच्योर भी हो चुका है कि वो अब थ्रोन मतलब किंग बन सके और गद्दी को संभाल सके। ओके, सो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सेव टाइम, ओके, जो हमारा सेव टाइम आइटम होता है उसके ऊपर आपने कमेंट बॉक्स में जाके सेंटेंस बनाना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब होता है कि कोई चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही टाइम से पहले कवर करना, ठीक है, सेव टाइम। ओके, तो चलिए अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है हमारे पास 5 o'clock shadow। 5 o'clock shadow का मतलब होता है दिस इज़ द टर्म फॉर द फेशियल हेयर दैट अ मैन गेट्स इफ़ ही डजेंट शेव फॉर अ डे और टू। मतलब 2 या 3 दिन के बाद अगर इंसान शेव करना बंद कर दे, दो या तीन दिन हो गए हों बीते हुए उसके, तो कैसे दिखता है उसके लिए, उसके चेहरे के लिए यूज़ किया जाता है 5 o'clock shadow। उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है, यू कांट गो फॉर यू इंटरव्यू विद अ 5 o'clock shadow, गो एंड हैव शेव। मतलब तुम इस चेहरे को लेके, इतनी दाढ़ी उगी हुई है तुम्हारे चेहरे पे, तो इस चेहरे को लेके इंटरव्यू में नहीं जा सकते, पहले जाके शेव करो। मतलब तुम्हारे चेहरे पे 5 o'clock shadow बजे हुए हैं, ठीक है। तो अगला आता है हमारे पास लाइक क्लॉकवर्क।
Like clockwork का मतलब होता है something that happens at a very regular time, at the same intervals without fail. मतलब कोई चीज़ हो कुछ समय के बाद, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक समय के बाद, ठीक है, कोई दो घंटे के बाद, फिर वो काम हो दो घंटे के बाद, ठीक है. इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, माई कैट यूज़ टू वेक मी अप एवरी मॉर्निंग लाइक क्लॉक वर्क बट नाउ डे शी सीम्स टू ओल्ड टू केयर, ठीक है. तो मतलब उसकी हर दिन उसको उसकी बिल्ली उठा देती है, ठीक है. तो आज वीडियो में इतना ही, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू. और आपको, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, एक अपील थी, जो लोग भी ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को गिव अप कीजिए, चीज़ अच्छी नहीं है. और अपने आसपास जिन लोगों को भी इससे एनकरेज कीजिए कि इन चीज़ों को छोड़ें, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, टाइम वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही था. सो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो लोग इंग्लिश में वीक हैं और SSC CGL जो की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है.